आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ ए इक्वल्स टू दिस, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, तीन रो है जिसके अंदर और तीन कॉलम है अपने, तो फाइंड करना है हमको ए क्यूब की वैल्यू। देखो कैसे करेंगे इसको हम। देखो ए क्यूब निकालने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे, तो हमको पहले ए स्क्वायर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तभी हम ए क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। और ए स्क्वायर निकालने का फॉर्म रहेगा अपना ए इंटू ए, यानी ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम, फिर ये रो ये वाला कॉलम, फिर नेक्स्ट ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ऐसे प्रोसीड करते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3x3 यहाँ पर 9 प्लस -3 -2 रहेगा अपना -6 प्लस 4x0 0 9 -6 3, ठीक है। इसी तरह से एलिमेंट निकालेंगे, यहाँ पर आएगा -4 ये 4 0 -1 0 -2 2 -3 ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब निकालना है आपको ए क्यूब, ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्यूब जो हो जाएगा वो हो गया ए स्क्वायर इंटू ए के बराबर, यानी मैट्रिक्स ए स्क्वायर जो आया मेरा यहाँ पर ये 3 0 -2 -4 -1 2 4 0 -3, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं मैट्रिक्स ए के साथ, तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ए क्या है अपना, वो है 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, ठीक है, यही अपना मैट्रिक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस वाले मैट्रिक्स में प्रोसीड करेंगे रो वाइज और यहाँ पर देंगे हम कॉलम वाइज, ठीक है। तो देखो क्या मैट्रिक्स मिलेगा, ए क्यूब का मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मिलेगा आपको यहाँ से 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, ये आ जाएगा अपना मैट्रिक्स ए क्यूब की वैल्यू, और ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।